अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग। अगर आप रिगिंग कर रहे हैं तो आप कई स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रत्येक सिंगल इंडिविजुअल स्लिंग पे पड़ने वाला लोड कितना हो सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह का। अब ये जो लोड पड़ता है इंडिविजुअल स्लिंग पे, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को किस किस बारे में ध्यान देना होगा उसको पहले पता होना चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग को लेंथ मालूम होना चाहिए, कितनी कितनी लेंथ आप यूज़ कर रहे हैं स्लिंग की। तो हमने लेंथ डिनोट की, जो वर्टिकल है यहाँ से यहाँ तक का इसे बोलते हैं, जो इंक्लाइंड है ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का इंक्लाइंड है लेंथ, इसे बोलते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ द स्लिंग। ये स्लिंग है हमारी जो ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। दूसरा हम लोग को पता होना चाहिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वेट पता होना चाहिए, कौन कितने का वेट आप उठाने जा रहे हैं ये मालूम चाहिए। तीसरी बेसिक मालूमात ये होनी चाहिए कि हाइट क्या है। मान लीजिए इस शेप में है तो ये जो ट्रायंगल से यहाँ ऑब्जेक्ट के हॉरिजेंटल से ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ तक की वर्टिकल लेंथ जो होगी वो हाइट होती है, तो ये हाइट ऑफ द स्लिंग हमको मालूम होनी चाहिए। चौथी पॉइंट जो हमको लोगों को मालूम होनी चाहिए वो होती है कि सेफ़ वर्किंग लोड। ये पूरा जो स्लिंग जो मैन्युफैक्चर होगा वो आपको दिया होगा, इस स्लिंग की सेफ़ वर्किंग लोड कितना होगा, तब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये चार बातें हो गई, कौन कौन सी, लेंथ मालूम होना चाहिए, दूसरा हाइट मालूम होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, वेट आपको मालूम होना चाहिए, चौथा क्या होना चाहिए, सेफ वर्किंग लोड मालूम होना चाहिए। आइए बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक फैक्टर निकालना जाता है, टोटल लोड ऑन द सिस्टम, टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग क्या होगी, इसके लिए एक फैक्टर निकाला जाता है, फैक्टर रेशियो जिसे हम लोग एक्स से डिनोट किए हैं यहाँ पे, एल बाई एच इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज क्या है, लोड फैक्टर। ये एक्स क्या है, लोड फैक्टर, यानी किस एंगल पे आप लगाएं स्लिंग की लंबाई और हाइट के हिसाब से लोड फैक्टर क्या आएगा ये दे रखा है। ठीक, यहाँ पे लोड फैक्टर आपने निकाल लिया एक्स। एक्स इज क्या है, लोड फैक्टर, यानी एल बाई एच लंबाई डिवाइडेड बाई हाइट इज इक्वल टू लोड फैक्टर एक्स। अब लोड फैक्टर मिल गया हमको, तो लोड फैक्टर से लोड को डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट, दो पॉइंट है, तो डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, टू। जितने पॉइंट होंगे, मान तीन पॉइंट होता है, डब्ल्यू बाई थ्री। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला कहता है एक्स इंटू डब्ल्यू बाई टू इज इक्वल टू लोड ऑन द ईच स्लिंग, यानी एक्स क्या है, लोड फैक्टर इंटू डब्ल्यू बाई टू, कितने पॉइंट कॉन्टैक्ट हैं। देखिए जितने कॉन्टैक्ट उतने बाई, ठीक, दो कॉन्टैक्ट है, दो बाई बराबर ईच स्लिंग की लंबाई, यानी ईच स्लिंग लोडेड। अब आइए, इससे इतना समझ में आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लेंथ इसकी स्लिंग की दे रखा है, कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया, इसमें लेंथ क्या है सिक्स फिट की, हाइट क्या है 4 फिट की, और वेट क्या है 12,000 पाउंड का। तो हम लोग को क्या पहले पहले निकालना है, लोड फैक्टर निकालना है। लोड फैक्टर कैसे निकलता है, एल बाई एच, एल बाई एच, तो एल बराबर 6 डिवाइडेड बाई एच, यानी 4 इज इक्वल टू आ गया 1.5। ये लोड फैक्टर आया, और फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, आप लोग याद रखिएगा। लोड फैक्टर मिल गया, अब जैसे ही लोड फैक्टर मिल गया तो हमको मालूम है कितनी जगह पे कांटेक्ट है, दो जगह पे कांटेक्ट है। जब दो जगह पे कांटेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको W बाई टू, तीन जगह पे होता है तो W बाई थ्री। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 12,000। लोड फैक्टर इंटू W बाई टू बराबर नंबर कितना आ गया, 9,000 पाउंड। ये 9,000 पाउंड क्या आया, 9,000 पाउंड ये आया कि ये दोनों स्लिंग पे अकेले अकेले पड़ने वाला लोड, यानी इंडिविजुअल लोड ऑन द ईच स्लिंग। ओके, तो ये 9,000 आ गया। अब ये तो आप निकाल लिए कि एक स्लिंग पे कितना लोड पड़ेगा, अब करना क्या है, कंपेयर करना है। आपका जो मैन्युफैक्चरर होगा स्लिंग का, वो दिया होगा आपको कि एक ये स्लिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, सेफ वर्किंग लोड क्या है एक स्लिंग का। आप मान लीजिए अगर उससे कम है ये तो सही, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको अलाउ नहीं कीजिएगा। पहला फार्मूला ये था जब आपको लोड फैक्टर निकालना पड़े। होता क्या है, आजकल जो इंजीनियरिंग में होता है किया ये जाता है कि पूरा लोड फैक्टर एंगल फैक्टर दिया रहता है, ये एल बाई एच एच करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बेसिक है। आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। लेकिन आजकल फास्ट काम किस तरह से होता है, हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो इस टाइप के फार्मूले से करते हैं। इसमें क्या है, पूरा लोड डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन, टाई अप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका। इसके लिए बेसिक फार्मूला होता है, लोड ऑन द ईच स्लिंग डिपेंड करता है डब्ल्यू बाई नंबर ऑफ द स्लिंग इंटू एंगल फैक्टर। लोड ऑन द ईच स्लिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई नंबर ऑफ द स्लिंग इंटू एंगल फैक्टर। मान लीजिए 5,000 का लोड आप उठाने जा रहे हैं, 5,000 पाउंड का, 90 डिग्री पे एंगल लगा हुआ है, और ये आप स्लिंग दो स्लिंग का इस्तेमाल करके उठा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5,000 डिवाइड, ठीक, लोड डिवाइड नंबर ऑफ स्लिंग, कितनी स्लिंग है, दो स्लिंग, इंटू एंगल फैक्टर। एंगल फैक्टर कहाँ पाइएगा, लोड एंगल फैक्टर आपको टेबल दी होगी बाकायदा स्लिंग में टैग के साथ, तो अब
जितना एंगल होगा, यहाँ 90 डिग्री पे है, लोड एंगल फैक्टर कितना दिया है 1, तो हमने रख दिया 1 इक्वल टू कितना रह गया 2500 पाउंड। अब आइए इस तरह से मान लीजिए 60 डिग्री का कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है, तो 5000 का लोड उठाना है, लोड एंगल फैक्टर हमको कितनी डिग्री पे देखना होगा, 60 डिग्री पे देखना होगा। 60 डिग्री पे हमने देखा तो हमको क्या मिला, लोड एंगल फैक्टर 1.5। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ द स्लिंग कितनी है, 2 स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटू लोड एंगल फैक्टर कितना, टेबल से हमने देख लिया मैन्युफैक्चरर ने जो हमको दिया था ये 1.5 आया, 1.115 आया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2887.5 पाउंड इतना आ गया। अब हम लोग को देखिए, आप छोटी सी बात का कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे जब आप 90 डिग्री पे उठा रहे थे तो कितना आ रहा था लोड, इतना सेम वही लोड उठा रहे हैं, बस एंगल चेंज हुआ गया तो लोड की कैपेसिटी बढ़ गई। यही हम कह रहे थे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है टाई अप का उसके हिसाब से आपको स्लिंग, अब इसका जब कंपेरिजन करिएगा सेफ वर्किंग लोड से तो आपको देखिएगा ये लोड ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको भी बात में ध्यान कीजिएगा। यानी आपको ये देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लोड फैक्टर यानी टोटल कंपेरिजन ऑन ईच स्लिंग, टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग कितना आ रहा है। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री में अगर आप हैं और आपसे कहा गया कि आप देखिए थोड़ा सा इसका क्या है कि सेफ़ है कि नहीं है, तो आप बेसिक फार्मूला लगाइएगा, आप उनसे कहिएगा हमको एक टेबल दीजिए, स्टैंडर्ड टेबल आपको मिल जाएगी वो स्लिंग के साथ जो आई होगी, तो आप क्या कीजिएगा टोटल वोट जितना उठाना उठाया जा रहा है वो रख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई जितना पॉइंट पे आप कांटेक्ट देने जा रहे हैं वो रख दीजिएगा, इनको दोनों को डिवाइड के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंगल फैक्टर, एंगल फैक्टर आप देख लीजिएगा 60 डिग्री पे बांधा है तो जो आपको टेबल मिलेगी उस पे 60 डिग्री पे देख लीजिएगा, अब अगर जितनी डिग्री पे बांधा वो टेबल में दे रखा होगा तो टेबल से डिग्री रख दीजिएगा, तो टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग पता चल जाएगी। जब टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग पता चल जाएगी, अब वहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखा होगा सेफ वर्किंग लोड फॉर द दिस स्लिंग, मान लीजिए 8000 लिखा है, आपने टोटल लोड निकाला, दोनों को कंपेयर कीजिएगा, अब अपने समस्या बता दीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो सही है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, सेफ वर्किंग लोड की वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है तो अच्छी है, लेकिन ये कम होगी ये ज़्यादा होगी तो अच्छा नहीं है, आप कहिएगा नहीं अलाउ नहीं होगा। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था, और यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि स्ट्रेंथ फैक्टर आपको देखना है कॉन्फ़िगरेशन के भी बेस पे, यानी पोजीशन क्या है आपके स्लिंग की उसके ऊपर भी। थैंक यू दोस्तों, हो सकता हो लोगों को समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो संपर्क करें, धन्यवाद।